आंखें नहीं खुल रही यशविनी, आपकी खुल रही है क्या? कैसे कर रही? ऐसे करेंगे ठीक हो जाएगा? पक्की बात? आपका सही हुआ? ओके मैं भी करती हूँ। यशविनी ऐसे बोल रही है, ऐसे करोगे ना तो ठीक हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, खवांगणी सा आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं और यशविनी खतरनाक, मैंने और यशविनी ने नींद निकाल ली आज। मतलब शाम को हम 5 बजे सोए, 5 बजे सोने के बाद में अभी 7:15 हुए। क्या हो रही थी? मैं कर दी थी। कैसे करा आपने? देखा ऐसे कर रहा था। आपका भाई साहब कहाँ गया? यशविनी का भाई साहब है ना, जैसे ही हम नींद निकालते हैं ना उस टाइम ऐसे फुर होता है, नीचे जाके साइकिल वाइकिल चला रहा होगा वो, है ना यशु? तो गाइस अब उठेंगे, थोड़ा किचन विचन क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद में हमारे पापा के पास जाके आएंगे। रिशु के पापा आज पता नहीं कैसे सुबह से आए नहीं यार, पहले उनको फ़ोन करूँगी कि कहाँ हो कैसे। यशविनी लाइट जलाते हैं सबसे पहला काम। ये देखो 7:15 हो गए और मैं और यशविनी 5 बजे सोए थे, हैं यशविनी? और ये है ना, कल है ना हम वो वहाँ से डांसरे लेके आए थे ना, बदबू मार रहे पता नहीं कैसे, खराब हो गई है। सबसे पहला काम करेंगे मैं और यशविनी पूजा। चलो गाइज, है ना पूजा लेके आई थी ना रुद्राक्ष, वो वहाँ से सीहोर से, एक तो मम्मी का लेके आई थी ये वाला, और ये वाला मैंने उससे एक और छीन लिया, मतलब दो रुद्राक्ष ले लिए इस वाले घर के लिए। दो रुद्राक्ष है यशविनी आपकी, है ना, मासी सीहोर से लेके आई थी, तो ये रुद्राक्ष मैंने एक मम्मा के लिए लिया था और एक मैंने मेरे घर के लिए ले लिया। और ये शंकर कंकर है गाइस, शंकर कंकर जो कि सीहोर के हैं। और हाँ, एक भाई साहब ने ऐसे बोला था कि ये वाली है ना अगरबत्ती आप मत जलाया करो जीजा, तो बस थोड़ी बहुत अगरबत्तियाँ बाकी है, फिर बाद में है ना आप बोलोगे ना वो धूप बत्ती वाली, वो वाली लेके आ जाऊंगी, है ना यशु? देखो न्यू भगवान उधर। चलो बिट्टू चलते हैं, तो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत काम वाम करते हैं अपना घर का, और फिर उसके बाद में पापा वाले घर पे चलेंगे। खाना वगैरह हमारा खाने का वहीं होगा, बस यहाँ का ये पट्टी वट्टी क्लीन करके है? यही है पापा वाला घर। पापा नहीं, मेरे पापा। आपके पापा का तो ये है और मेरे पापा का वो वाला है ना वहाँ दादू वाले घर पे। यशविनी पूरे ना घर के बर्तन वर्तन आप लाके मुझे दे दो। यशविनी इतने छोटे मोटे काम तो कर देती है, जाओ बर्तन वर्तन लाके दे दो। एक खांसी की थाली को ये बाहर किसने निकाल दिया? और रिशु ने, मेरे को लगता है हम सोए थे ना तब पार्टी करी है, आलू भुजिया और कैसे करा रखा, पूरा फैला रखा है। टाइम को देखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि मैं खाना यहीं पे बना देती हूँ, क्योंकि यार है ना फिर मैं वहाँ जाऊँगी ना तो पापा से बोलेंगे कि इतना टाइम तूने क्या किया, तो मैं ऐसे बोल दूँगी पापा को कि पापा मैं रोटी वगैरह वहीं बना के लेके आई हूँ ना, तो इसलिए मुझे टाइम लग गई। यशविनी साथ ही साथ मेरा काम में थोड़ा सा हाथ भी बटा रही है, मतलब जो भी मैं फ्रिज में से लाने के लिए बोल रही हूँ वो ला के दे रही है। आम के पराठे खाते हैं, ये देखो ऐसे करके इसको पैक करके और इसकी रोटी बना दो। खाना बना भी लिया और पैक भी कर दिया, क्योंकि उस वाले घर पे ही खाना होगा, 10:30 के समथिंग आना होगा यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि सारा जो भी काम वगैरह है वो भी यहाँ क्लियर करके जाऊँगी, फिर आते ही सोने का काम रहेगा मेरा। यहाँ अब किचन में थोड़ी पट्टी वट्टी साफ़ करनी है और थोड़े बहुत बर्तन बाकी है, तो ये बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद मैं रिशु के पापा को कॉल करूँगी, क्योंकि यार मेरे को लग रही है भूख, फटाफट से बस मेरा काम हो जाए मैं खाना खाऊँ। यशविनी कहाँ जाने के लिए रेडी हो गई? कहाँ जाने के लिए रेडी हो आप? माँ के घर पर। चलो अब आप स्लीपर वगैरह पहनो, आपके पापा नीचे आने वाले हैं, तो यहाँ का जो भी काम वगैरह था वो सारा फिनिश हो गया, अब चलते हैं पापा के पास, मारते हैं गल्ला। मतलब पता है क्या है, पापा शाम को ना इतनी बातें करते पुराने जमाने की बातें ले लेके आते हैं, ऐसे था मैं, वो करता था, ये करता था जोड़ी के अंदर, ऐसे वैसे, मतलब
मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है पापा की बातों में, और पापा की जो बातें तो आप सबको पता ही है यार, लिमिटेड ही आपके सामने आती है, क्योंकि पापा का थोड़ा सा कंफर्ट नहीं रहता वीडियो में। तो गाइस आप पापा से मिलते हैं और वहां चलते हैं, और साथ ही साथ अभी जस्ट मैंने एक कमेंट पढ़ा था मेरी देवरानी के लिए कि आपकी देवरानी पीहर चली जाती है, उनको ऐसे नहीं करने चाहिए, वो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि यार है ना सबके पीहर में काम होता है, आप सबको पता ही है, उनके पीहर में कोई काम आ गया था अर्जेंटली, उन्हें निकलना पड़ा। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप ऐसे कमेंट बिल्कुल ना। खाना मैंने ना क्या यहीं पे बना लिया था, बट पैक करके मैं वहीं लेके जा रही हूँ, तो क्या पापा के साथ साथ हम भी वहीं पे खाएंगे। ईशु के पापा जस्ट अभी नीचे आए हैं, वो फोन करके मुझे बुला ही रहे हैं, तो फटाफट से चलते हैं नीचे। और सबसे पहला काम मेरा वहाँ जाने के बाद में बच्चों को खाना खिलाना है, क्योंकि यार यशविनी है ना खाना खाना करे जा रही है, मतलब खाना नहीं, ये बोल रही है कि मुझे आलू भुजिया चाहिए और बिस्किट वगैरह चाहिए, तो बस इसको भी भूख ही लग गई है। हमारा जो रिश्लु है उसने पता है क्या खरीदा है, मैं आपको दिखाऊंगी अब आगे व्लॉग मैं जब तक है ना पापा के पास पहुंचूं, आप तब तक है ना रिशु ने और रिशु के पापा ने कल हम है ना वहाँ गए थे ना खाटू श्याम जी, तो क्या क्या मस्ती करी आप सब देखो उसको, मतलब रिशु ने कुछ चीज़ खरीदी है वो आपको मैं दिखाती हूँ आगे वाले व्लॉग में, देखो आप। ठीक है तब तक मैं पहुँचती हूँ, बाय। हम खाटू श्याम जी गए थे ना, उसके पीछे के काम है ये, रिशु के पापा लेके गए थे रिशु को और देववना को डिकैथलॉन, और वहाँ से ये वाली जो साइकिल है ये वाली परचेज करी थी, क्योंकि रिशु वाली जो पहले वाली साइकिल है ना वो छोटी हो गई थी। कौन सी नीची है सीधी खड़ी करो, उनसे पूछना पूछना से भैया से पूछो एक बार। पहले वो कौन सी छोटी सी चलाता था रॉक राइडर की, अभी भी रॉक राइडर की ले आया, वो मेरे को सबसे अच्छी कंपनी लगी। चलो दे चलो चलो फास्ट फास्ट ये गाइस कैमरे के अंदर वाइट दिख रही है, ये ग्रे है रियल में, ये देव की सही कलर है, मेरा एम है देव का, एल है पापा आनी चाहिए जिन्होंने स्किल से ली है देव की, देख सकते हो दोनों की सेम कंपनी है रॉक राइडर की। अरे फर्स्ट ईयर वाला ही जानती है, लेकिन सेवन स्पीड पकड़ती है, तो मिलते हैं, मजा आ गया है। आपको नींद कैसी लगी सर? नींद तो कच्चे ही ना आएगा, नहीं आएगी बिल्कुल, नहीं आएगी नींद तो। देव को तेरे को आएगी? नहीं मेरे को बताऊँ कैसे, यहाँ पे चला तो सकते नहीं है, तेरे तो वहाँ पे गया हूँ खुले उड़े, कोई तो बना सकते नहीं, तुम्हारे वाले में तो सबसे ज्यादा चला सकते, हमारे नहीं चला सकते। हाँ हमारे वाले का ना ये दिक्कत है, आगे कोई भी खड्डा आता है ना साइकिल के साथ गिरते हैं, वहाँ पे बहुत रोड से आराम से चला लेगा तू ना, लेकिन हमारे वाले का ना मोर नहीं है, मोर होती है ना फिर आते हैं मजा, मजे नहीं मोर के ना, ड्रिफ्ट मार सकते हैं, तेरे को ड्रिफ्ट मारनी आती है? तो ये बच्चे लोग ने आज नई साइकिल ली है ऋषभ ने, तो ऋषभ की आज चल रही है पार्टी, न्यू साइकिल की पार्टी है क्या ऋषभ? ये साइकिल पार्टी, साइकिल पार्टी और नाइट हो रही है आज, ये हमारी दोनों साइकिल, इधर ये देव, ये इधर देव, ये ऋषभ, पार्टी और नाइट, ये इधर ऋषभ, जब तक हम ना देव के घर रुकेंगे ना उधर खत्म कर लेंगे। ओके ऋषभ चलो, ये नई साइकिल दिला ले, तो पुरानी थी क्या हो गयो नैरो बड्डो हो गयो भाई, बड्डी ही साइकिल तो बहुत छोटी थी ऋषभ, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको।
यशविनी देखो आपके पापा है ना आपके लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाते, देखो ऋषभ के लिए क्या गिफ्ट लेके आए। देखो यशु आज आप कुछ बिठाता हूँ बिट्टू को, इधर आजा। बिठा दिया, इतना नहीं भी लाता अगर लेना ये जड़ा। आजा इसके लिए ये इसका है, इधर आजा। मैं लाके दूंगी। अच्छा मेरे पास आएगी ये बिट्टू। वो गुड़िया कहाँ गई आपकी? ये इसका ये इधर यशविनी को तिलक तालक तो कटाओगे, ऋषभ को गिफ्ट है। ये जो आपने क्लिप देखी ये कल की थी जब हम खाटू श्याम जी गए थे ना, फिर पीछे के काम है ऋषु के पापा के। चलो अब यार घर पे चलते हैं, आज पे आते अपन। बच्चे लोग क्या कर रही है यशु? भाई साहब के पास बैठी है कि जद्दू गया ना, जद्दू भाई साहब को पापा क्यों लेके जाते हैं, मेरे को कभी नहीं लेके जाते, ये वो पता नहीं क्या क्या। फिर जा गया सीधा इन्हीं घुमा लेते लाने आगे था आगे मोल्डी का बटक दे मिली है। नीचे की आईडी के रहे फोन करता आ जाती है तो है ना यशविनी क्यूटू। सबसे पहला काम पापा का है कुकड़ी सेक की है मैंने, कुकड़ी मतलब वापस बताती हूँ आपको, ये क्या बोलते हैं बुट्टा, पर ये बुट्टा है ना सक्सेस नहीं हो रहा, बताऊँ क्यों? क्योंकि पापा को क्या दाने दाने चाहिए होते हैं और ये है ना बहुत ज़्यादा कच्चा है, तो उस वजह से इसको छील ही नहीं पा रही है। ये तो ऐसे ऐसे खाने का है, पापा दूसरी लेने गए हैं, पापा बोल रहे हैं कि जितना निकले उतना निकाल दे फिर तू खा लेना, निकल ही नहीं रहा, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है। पता है पापा के साथ क्या हुआ? ये वाली जो फर्स्ट वाली है ना ये भी पापा ने मेरे को बोली कि ना तू खा ले क्योंकि ये कच्ची है तो कच्ची मुझे पसंद नहीं है, और ये जो सेकंड वाली मैंने ना सेकी ना ये भी सेम टू सेम वैसे की वैसे निकली, मतलब दोनों ही पापा के काम की नहीं है। पापा ने अब बोला कि ऑरेंज छोल के दे दे मुझे, तो पापा को बस मैं ऑरेंज दे के आई हूँ। और यहाँ पे दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा ये क्लीन कर देती हूँ क्योंकि है ना पापा थोड़ा लेट खाते खाना। पापा बाय, सुबह मिलते हैं, बंद कर दे चाहिए ना। हाँ हाँ फोन करके पूछ लो फिर बाद में बंद कर दो। पता है ऋषु के पापा ने मेरे साथ क्या किया, मतलब मैं सारा खाना यहीं पे पैक करके लेके आई थी, मैंने सोचा कि यहीं बैठ के खाएंगे, और उन्होंने क्या किया मेरे साथ, मैं नीचे आई नहीं और निकल गए वो, और उनकी वजह से मैं मेरी गाड़ी भी नहीं लेके आई, तो अब मुझे पैदल पैदल जाना पड़ेगा और फिर से वो खाना मैं उस वाले घर पर लेके जा रही हूँ। एक तो ऋषु के पापा ऐसे करते हैं ना सच में यार, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है, फिर अब ना मतलब मेरा मुंह सूज जाएगा वहाँ जाने के बाद में। मैं बात नहीं जा रहे हो थे चूरू जा क्या है बताओ, थान सौगन है मेरी ये ताके खड़े थे रुक रहे को नहीं ताके तो खड़े सामने कद खड़े सामने मैं तो कौन देखी मरोड़ा करती करती आई थान, अगर आज तो घर फूक जाता ना थे हम देखे चले तो चले हमें मान के सब मस्ती कर रहे हो। और आके बोल रही दादू के पास जाना है ना, ना दे यशु यशविनी सुनो यशविनी मेरी तरफ देखो एक बार, किधर देखो आपके लिए क्या लाई हूँ ये देखो। ये तो किसी के तरफ देखती नहीं है ये, देखना मैं इसके अंदर यशविनी के लिए बहुत अच्छी चीज लाई हूँ, यशविनी तो खुश हो जाएगी। ऋषभ मुझे नहीं पता था आप सब वही थे नीचे बिल्डिंग के, पता ऋषु के पापा और बच्चे है ना वहाँ पे बिल्डिंग के नीचे छुप रहे थे, वैसे मेरे को आवाज भी लगाई थी बट मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाय चलो बट फिर भी जो भी पैकिंग वैकिंग है वो तो लेके तो आई गई, पर वैसे ना आज क्या ऋषु के पापा पूरे दिन है ना फार्म हाउस थे ना, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारा काम वगैरह किया ना, तो इनकी क्या ऊपर चढ़ने की या फिर वहाँ ज़्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए ये बोले कि मैं ऊपर नहीं गया। चलो कोई नहीं, ऋषभ के पापा ने लाइट मंगवाई है एक बाथरूम के लिए। चिक्की जी अच्छा 1 मिनट में बंद हो जाएगी, यशविनी के लिए फायदा हो गया, यशविनी जब भी वॉशरूम यूज करती थी उसके बाद में लाइट है ना बंद ही नहीं करती थी, नॉटी बहुत है ये लड़की। गलती से छोड़ देती, देखो मुंह देखो यशु का, दिखाओ मुझे हाय गाइस, मुझे भूख लग गई फिर से, रोटी खा ली फिर भी भूख लग गई, मेरे को भी लग रही है ऐसी क्या बात है। प्लीज आप ऐसे मत करो, इसको रख दो यहाँ रखो।
ये डोर है ना साफ कर रही थी और मेरे को देखो ऋषु आपके पापा की और मेरी शादी का कार्ड मिला है। दिखाना। ये देखो यशविनी, 30 अप्रैल 2015 में आपके पापा की और मेरी शादी हुई थी। पापा वो मेरा आईडी कार्ड है। हां आपको नहीं, आपको मैं दिखाती हूँ। जब है ना हमारी शादी हुई थी ना, तब क्या क्या हुआ था देखो। बान हुआ था 28 अप्रैल को। ये मैं लाई थी मम्मी। नहीं आप थे ही नहीं, मेरे पेट में थे आप। ठीक है यशु, आप थे ही नहीं शादी के अंदर, हमने बुलाया ही नहीं आपको, कार्ड ही नहीं दिया था हमने। तब मम्मी का रुको रुको। फिर चाक भात था 29 अप्रैल को, महिला संगीत 29 को, प्रतिभोज 29 को, निकासी और बारात 20, ये 30 अप्रैल को था यशविनी। मम्मी मैं बताऊं, जब तक मैं आपके पेट में घुसी थी ना, मैं यहाँ पे से लेकर आई थी। ये देखो मैंने है ना, मेरी शादी का कार्ड भी है ना, रख रख है संभाल के। यशु आप कैसे ला सकती हो यार, आप तो ये लाई थी टॉय। ये तो मेरा लाया था। हैं? ये तो मैं लाया था। तो कहाँ से लाया था ऋषभ? हाँ। देखो आप करिशा मुझे, हल्दी है चंदन है खुशियों का बंधन है, मेले का कोचा मामोचा की छादी में आप हमेशा अभिनंदन है, प्रिया मानवेंदर देवांग और रुद्र प्रताप और हो गया। क्या हो गया? लाइट हो गया, लाइट बंद हो गई क्या? ये लो चालू, ये काम तो सही हो गया ना ऋषु को। पापा हो गया बंद, खोल के भी हाँ, देख ली। सुन लिया। तो गाइस है ना, अब जो मेरे चिराना वाले मम्मी है ना, उनका कुछ क्लिप मुझे पूजा ने भेजी थी, वहां पे चोइस कोस की परिक्रमा लग रही है, जैसे कि आप सबको पता होगा लोहागढ़ में है ना लगती है। और साथ ही साथ मैं आपको बताती हूँ, जो मम्मी है ना, मम्मी मतलब घर पे पता नहीं कौन कौन मासी साहू घुमाए थे, कौन कौन आया था, जो भी आए थे वो आपको मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और मम्मी ने बहुत मेहनत करी है, मम्मी ने मतलब खाना वाना बनाया उनके लिए, और सच में मतलब सारी चीजें देख के, मतलब परिक्रमा वगैरह देख के है ना, मेरी खुद की इच्छा होने लगी थी, और मैं भी काश वहां होती और फुल इंजॉय करती। मेरे जो बड़े मामी सा है मामू सा है वो भी सब वहां पे गए हैं, और मेरे जो भाई वगैरह वो तो मैंने आप सबको दिखाया था ना, चुन्नू और टिन्नू, वो दोनों परिक्रमा लगा के आ भी चुके एक दिन में, मतलब सिंगल डे में वो चोइस कोस की परिक्रमा लगा दी। चोइस कोस मीन्स 75 या 74 किलोमीटर के समथिंग उन्होंने कवर किया है एक दिन में। ऋषु के पापा भी है ना, ऋषु के पापा स्टार्टिंग में आपने भी है ना एक दिन में कवर किया था ना? हाँ, मैंने किया था बिल्कुल। तो अब कब चलेंगे आप? बहुत जल्दी तब चलेंगे। प्लीज बताओ यार, मेरे खुद की परिक्रमा जबर की इच्छा हो रही है। निकलने वाले हम तो कल परसों में, तो बेबी वहाँ पे कोई नहीं है, क्राउड में ही जाने का मजा है। तो उसी टाइम चलेंगे। ओई ओई सेंट वेंट लगा के कहाँ जा रहा है तू? ठीक है गाइस, चिराना का व्लॉग आप आगे एंजॉय करो, और बताना चिराना के व्लॉग्स आप सबको कैसे लगते हैं, और भर भर के कमेंट आने चाहिए पूजा के लिए कि पूजा आप ना क्लिप भेजा करो। पूजा मेरे पास ये मानो 4 से 5 उसने क्लिप भेजी है, वो मैं आगे ऐड कर रही हूँ। तो आप सभी को और मेरे को पूजा इस क्लिप के थ्रू लेके गई चिराना यार, सच में मतलब ये सारी चीज़ें देख के मेरे को खुद को ऐसे होने लग गया यार, काश मैं भी चिराना जाती, क्योंकि यार देख सकते हो मतलब आप सबको पता ही आजकल है ना, मतलब बारिश काफ़ी सारी हुई थी तो ग्रीनरी भी तगड़ी हो रही है, नहीं तो है ना 3-4 साल से ना बारिश हो ही नहीं रही थी सावन के अंदर, तो मेलाइती भी बहुत कम आ रहे थे। अब की बार काफ़ी सारे मेलाइती आए थे, और हाँ घर पे भी काफ़ी हमारे रिलेटिव आने वाले हैं, वो भी आपको आगे क्लिप में पता चलेगा। साथ ही साथ मामी सा और गए हैं, उनकी क्लिप वगैरह भी पूजा मुझे शेयर करेगी, जो कि आपको 4 बजे व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मम्मी ने काफ़ी मेहनत करी है गाइज, आप सबने देखा भी था, सांगरी की सब्जी देख के यार मेरा खुद का मन चलने लग गया यार, काश मैं होती और मैं तो कोरी सांगरी की सब्जी खाती। और ये जो आप थालियां देख रहे हो ना, ये वाली थाली है ना, हम है ना इस मेले के अंदर ही निकालते हैं। मम्मी पूरा थाल जचा दिया मैं।
पकड़ा दो, अर्जुन दिखाओ, सब जनता के मम्मी की शक्ल दिखाओ। मम्मी की मेहनत देख सकते हो आप, मम्मी मेरी भी मेहनत है ना, है कौन ही चलो अब जिमाओ। क्या लेके जा रहे हो मम्मी? मटरी, मटरी भी बनाई है मम्मी ने। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। तो चिराना की आपने क्लिप देख ली कैसी लगी, और मामोसा मामीसा भी आ जाएंगे तो उनकी क्लिप भी मेरे पास ये मानो 1-1.5 बजे के समथिंग पहुंच जाएगी। तो मैंने सोचा है अगर क्लिप टाइमली पहुंच जाती है तो आप सबको देखने को मिलेगा 4 बजे वाला व्लॉग भी। कौन कौन इंटरेस्टेड है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की जो आज की जो जयपुर की मॉर्निंग है ना, इतनी शानदार हुई है क्योंकि रात को पूरी रात बारिश हो रही थी, उस वजह से मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है। क्योंकि इन दिनों क्या है ना, वापस से ना धूप आना स्टार्ट हो गई थी 4-5 दिनों से, तो उस चक्कर में गर्मी भी स्टार्ट हो गई थी। तो फिर से भगवान ने आज अच्छा मौसम कर दिया है। साथ ही साथ पता है मेरे साथ क्या किया, ये टावल है ना रिशु के पापा, हमेशा मैं इनको ये बोलती हूँ आप बालकनी में मत सुखाया करो, मत सुखाया करो यार, ये जब बारिश आएगी ना गिल्ला हो जाएगा। तो अब इसको भी मुझे वॉश करना पड़ेगा, इसको बस थोड़ी सी देर में मशीन वगैरह भी लगानी है तो वो वॉश करूँगी। जैसे ही मैंने व्लॉग की एडिटिंग करी, करने के बाद में सोचा मैंने एंडिंग तो करी ही नहीं, तो आज का जो व्लॉग है, आज का जो वीडियो है, आप सबको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना गाइज, प्लीज़ यार कर दिया करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो 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 मच, बहुत बड़ा वाला। अगर नहीं कर रखा है और आप न्यू हो तो आज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। बाय।